तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पहाड़ी जीवन पर। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं अपनी साइट पे जहां पर हमारा पुराना कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मैं ऊपर आई बटन पे इसकी वीडियो देख लूँगा, आप देख लीजिएगा वीडियो कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार चल रहा है। मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के लिए, लाया हूँ एक खूबसूरत सा प्लॉट जो कि है सात नाली का। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में सब कुछ, इसके प्राइस, इसके बेनिफिट, जो भी इस प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात करते हैं, और ले चलता हूँ आपको प्रॉपर्टी पे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसी सात नाली के प्लॉट के बारे में और कुछ बातें। तो चलिए चलते हैं जगह पे और करते हैं। तो यही देखिए, एक कॉटेज आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर हमारा चल रहा था कंस्ट्रक्शन जो कि लगभग अब पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत और रहा है। और यहाँ से जो लुक आता है दोस्तों, ब्यूटीफुल लुक आता है। सामने आपकी है कस्याली एक मार्केट, और पूरा लुक देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वैली व्यू यहाँ से आता है दूर दूर तक। और सामने जो ये व्यू आ रहा है, ये है धानाचुली का व्यू, और पास में आपकी मार्केट है दोस्तों। और यहाँ से आपकी केवल 300 मीटर पे आपकी हाईवे कनेक्टिविटी है। तो ये वही कॉटेज है जहाँ पर हमने काम किया हुआ था, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको चलता हूँ उस प्लॉट पे जो कि है सात नाली, और इस कॉटेज को देख के आपको याद जरूर आया होगा दोस्तों। इसकी वीडियो में दे दूंगा ऊपर आई बटन में। आप चलते हैं दोस्तों उस प्लॉट की तरफ जो इस कॉटेज के केवल बगल से है। मैं चल रहा हूँ उस प्लॉट की तरफ। देखिए, एक कॉटेज जहाँ पर बन चुका है दोस्तों, इसी के बगल से ये है सात नाली का पैच। पूरा फ्लैट लैंड है दोस्तों, आप लोगों को दिख रही होगी। मैं चलता हूँ ज़मीन पर, फिर आपको बताता हूँ और इसके बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं अपने इस प्लॉट पर जो कि है सात नाली का, और देख रहे होंगे जो कॉटेज बना है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इस कॉटेज के जो यहाँ पे लास्ट इसका छोर है किनारा, इससे आगे को ये ज़मीन लगती है। और जो ये कॉटेज बना है दोस्तों, ये भी इन्हीं की ज़मीन में बना हुआ है जो इससे पहले बेच चुके हैं। और यह है दोस्तों आपका पूरा सात नाली का प्लॉट जो कि है एकदम फ्लैट, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें एक ये खेत, एक ये खेत, एक उससे ऊपर खेत, तीन खेत हैं दोस्तों, और तीनों खेत हैं एकदम फ्लैट में। बात करें दोस्तों, इस पर आपकी कंस्ट्रक्शन लागत ज़्यादा आने वाली नहीं है क्योंकि पहले से बना हुआ प्लॉट है। एक हिसाब से देखें ज़्यादा कोई बड़ा इसमें दिक्कत नहीं है। और देखिए दोस्तों, पूरे है सात नाली का प्लॉट किस प्रकार से है, एकदम है फ्लैट लैंड, रोड से लगा हुआ प्लॉट है दोस्तों। केवल 400 या 300 मीटर पर हाईवे कनेक्टिविटी आ जाती है। और यहाँ से व्यू की बात करूँ दोस्तों, व्यू काफ़ी सुंदर आता है यहाँ से, इस प्लॉट से आपको दिखा रहा हूँ मैं। जो आगे सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है धानाचुली का व्यू पूरा, और ये हमारा पास में लोकल गांव। और दोस्तों ये, और सामने गई है ये जो आपको दिख रहा है, यह है कस्या लेक मार्केट। और एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों इस प्लॉट को जो कि है पूरे सात नाली का। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट खेत बोल सकते हैं हम इसको, ये पहला खेत है इसका, और इसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक और, तीन खेतों को मिलकर दोस्तों पूरी सात नाली की प्लॉट है। और लैंड एकदम फ्लैट है, और लैंड थोड़ी सी महंगी है दोस्तों। इसके रेट तकरीबन 12-12.5 के रेट हैं पर नाली के। महंगे होने का एक कारण है, हाईवे से नज़दीक है, पास में मुक्तेश्वर की बड़ी मार्केट कस्या लेक है जो मेन स्पॉट है दोस्तों इस जगह का। और व्यू दोस्तों, यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया है। और एक बात और दोस्तों, यह जो ज़मीन है यह आपकी ईस्ट फेसिंग ज़मीन है, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ इसकी ज़मीन है। और काफ़ी व्यू, काफ़ी खुला व्यू आता है दोस्तों, 180 डिग्री आप देख सकते हैं, पूरा बढ़िया व्यू आता है इस प्लॉट से। अब मैं चलता हूँ ऊपर के खेत में जाके यहाँ से, और वहाँ से दिखाता हूँ किस तरह से आपका यह प्लॉट दिखेगा। तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं सबसे ऊपर वाले खेत पर जो कि यह फर्स्ट खेत आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे एक और खेत, इसके नीचे एक और खेत, तीन के तीन खेत दोस्तों। ये काफ़ी प्लेन खेत हैं, इसको आप एकदम स्टेप वाली ज़मीन भी नहीं कह सकते दोस्तों। इस पर आपकी लागत नहीं आने वाली है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन लागत बहुत कम आएगी इस पर, इसीलिए यह प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है। तो और बात करें दोस्तों, अच्छी खासी स्नोफॉल एरिया है, और दिख रहा होगा आपको व्यू, काफ़ी बढ़िया व्यू है। और सामने दोस्तों जो घर टाइप दिखा दे रहे हैं, उसके ऊपर एक घाटी दिख रही है, ये है हमारा कस्या लेक मार्केट, यहाँ से तकरीबन वही 300 मीटर की दूरी पे है। और कुछ इस प्रकार से आपका प्लॉट देख लीजिए दोस्तों, ऊपर से नीचे तक का पूरा प्लॉट देखिए, एकदम स्टेप नहीं है इसमें, प्लेन ज़मीन है दोस्तों। देखिए जिस प्रकार से आप बोलते हैं फ्लैट लैंड, और आगे देख रहे हैं वहाँ से लगा हुआ है दोस्तों, वहीं से इसकी रोड एंट्री होगी, वहीं से इस पर रोड आएगी, रोड से लगा हुआ प्लॉट है। और देखिए जो इसके नीचे आपको एंगल दिख रहे हैं दोस्तों, वहाँ भी आपको अभी दिखाता हूँ, उससे नीचे ये ज़मीन बिक चुकी है। खूबसूरत व्यू है, बिजली पानी की पूरी सुविधा है, और पास में एक कॉटेज बना है दोस्तों जहाँ पर हमारा काम चल रहा था, अभी
वहाँ भी जाके आपको दिखाता हूँ। पूरा काम अभी नहीं हुआ है, आई बटन पे भी आपको दे दूँगा उसका लिंक, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम काम करा रहे थे। और कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों इस प्लॉट के बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन रिलेटिव कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा दोस्तों, आप बात कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। और व्यू काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और पीछे की साइड इसका हल्का फॉरेस्ट है। जो लोग शांत प्रिय रहना चाहते हैं, हाईवे की कनेक्टिविटी चाहिए, पास में मार्केट चाहिए, तो उन लोगों के लिए बढ़िया प्लॉट होने वाला है। अगर बात करूँ इस प्लॉट के नज़रिए से दोस्तों, आप इस पर अपना कॉटेज बना सकते हैं, होटल यहाँ पर चला सकते हैं, अपनी कैंपिंग एरिया भी चला सकते हैं, चाहे तो आप अपना पर्सनल होम बना सकते हैं यहाँ पे। और साथ में जिस प्रकार से ये खेत हैं दोस्तों, आप इसमें बागवानी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, आड़ू पेड़, पुलम, खुमानी, जो भी फ्रूट्स हैं या कुछ सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं। और व्यू काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, रोड की कनेक्टिविटी पूरी है और स्नोफॉल एरिया है, बढ़िया स्नोफॉल होता है दोस्तों। मुक्तेश्वर का टॉप एरिया समझिए दोस्तों, मुक्तेश्वर की बात करें इस प्लॉट से, दूरी की बात करें दोस्तों मात्र 10 किलोमीटर के आसपास, और हल्द्वानी काठगोदाम की दूरी लगभग 60 से 65 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। काफ़ी अच्छी जगह पे है, ठंडे ठंडे बांजू के पेड़ों से घिरा हुआ यह प्लॉट है दोस्तों। और देखिए काफ़ी बढ़िया प्लॉट है दोस्तों, फ्लैट लैंड है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो भी भाई इस प्लॉट के बारे में कोई और जानकारी चाहता है या इस प्लॉट को परचेज़ करना चाहता है तो दोस्तों हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्यू काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ईस्ट फेसिंग ये ज़मीन है। और चलते हैं, मैं ये जो बगल में कॉटेज बनाया अब इसको दिखाता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा काम चल रहा है, मैंने पिछले भी दिखाया था, मैं आई बटन में आपको दे दूँगा। अभी यहाँ पर काम चल ही रहा है दोस्तों, ये देख रहे होंगे आगे थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ये काम चल रहा है। और इससे लगा हुआ है प्लॉट है पूरा, जो कि है सात नाली का दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। आप चलते हैं सबसे नीचे वाले खेत पर और वहाँ से दिखाता हूँ नीचे इसके जो बिक गई है यहाँ पर ज़मीन, उसको भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए जो यहाँ एंगल दिख रहे हैं, ये भी एक बिक चुका है पूरा, यहाँ से नीचे से रोड से लगा हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे भी रोड है, इसमें नीचे से भी रोड की कनेक्टिविटी है आपके, देखिए। और जो आपके प्लॉट पर रोड आनी है वो आएगी ऊपर से, जो कि है मेन रोड, 300 मीटर की दूरी पर हाईवे कनेक्टिविटी। और पास में देखिए दोस्तों अच्छे कॉटेज बने हुए हैं, बढ़िया गाँव का एरिया है, बढ़िया जो मुक्तेश्वर की बड़ी मार्केट है वो भी इसके पास में है। और देखिए पास में ही ये कॉटेज बना हुआ है, एक कॉटेज और बना है दोस्तों, और नीचे गांव लोगों के घर हैं, और ये प्लॉट पूरा नीचे बिका हुआ है दोस्तों। और ऊपर ये आपका ये प्लॉट रहा है दोस्तों, और बगल में आपका ये कॉटेज बना हुआ है। और मैं दिखाता हूँ कॉटेज में अभी जो हमारा काम किस प्रकार से चल रहा है दोस्तों। अगर प्लॉट हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, इस प्लॉट की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि कोई यहाँ पर ये प्लॉट लेना चाहता है तो उसको उसकी हेल्प मिल सके दोस्तों। तो चलते हैं अपने कॉटेज की तरफ, आपको दिखाते हैं कॉटेज कितना काम हमारा रहा है। और एक बार फिर से आपको प्लॉट दिखा रहा हूँ दोस्तों, बढ़िया जगह है, फ्लैट लैंड है दोस्तों, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की लागत आपके आने वाली नहीं है, क्योंकि पहले से एक हिसाब से देखा जाए बना हुआ प्लॉट है, प्लॉटिंग भी इसकी आपको ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, आप अपने हिसाब से इस पर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और व्यू यहाँ से काफ़ी सुंदर है, ईस्ट फेसिंग ज़मीन है दोस्तों, बिजली पानी की पूरी सुविधा मिलेगी दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए कितना बढ़िया व्यू आता है, दूर दूर तक खुला व्यू है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर अपना कॉटेज भी बनाते हैं तो आपका जो आगे का व्यू है दोस्तों, ये पूरा ये आपका कभी दबने वाला नहीं है, क्योंकि आप हाइट पे हैं, ऊंचाई पे आप अपना कॉटेज बनाएंगे तो आपका व्यू ये हमेशा रहेगा। तो देखिए दोस्तों चलते हैं आप कॉटेज पे, थोड़ा और दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने कॉटेज पे, जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया था, और ये देखिए पूरा टाइल वर्क यहाँ पर पूरा कम्प्लीट फिनिश हो चुका है दोस्तों। ये ज़मीन आज से बिकी थी तकरीबन 4 से 5 साल पहले, तकरीबन 8 लाख रुपये नाली के हिसाब से, और इन्होंने काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है दोस्तों, और बढ़िया व्यू आता है दोस्तों। और ये इसी के बगल से ही लगा हुआ आपका प्लॉट है, बढ़िया व्यू है, एक बार फिर से व्यू देख लीजिए। और दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा और काम अपना किस प्रकार से काम हो रहा है दोस्तों, किस प्रकार से इन्होंने अपना काम करवाया है, और थोड़ा बहुत काम इनका और बचा हुआ है जो कि चल ही रहा है दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड पूरा कम्प्लीट हो चुका है ये कॉटेज का काम, और दूसरी साइड आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया व्यू है दोस्तों। दूसरी साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे ईंटा उतर चुके हैं और यहाँ पर काम चल रहा है, देखिए किस प्रकार से काम चल रहा है। यहाँ पर भी आप पता कमरे इनके बनने हैं और ये काम पूरा होना है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। और देखिए हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, और नई बातें और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, अपनों को खुशी दें। और दोस्तों अगर आप भी स्वास्थ्य संबंधित
जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लगती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप भी ध्यान देते हैं, तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों उस पर किस प्रकार से हम उस पर स्वास्थ्य संबंधित वीडियोज़ डालते हैं, जो कि हमारा प्रयास रहता है हम और आप स्वस्थ रहें और हमारा देश खुशहाल रहे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।